नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। वैसे तो आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया है, बट फिर भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ इस तरह, आप यहाँ पे MI ब्राउजर जो हमें डिफॉल्ट देखने मिलता है उसे आप चेंज करते, जो भी आपको गूगल क्रोम चाहिए या जो भी याहू जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो। मतलब MI ब्राउजर तो हटाना है इन शॉर्ट। तो यहाँ पे उससे पहले एक बार मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, समझो आपको WhatsApp पे यहाँ पे कोई लिंक आए हैं, तो जैसे ही वो आप लिंक पे जाते हो आप रिडायरेक्ट हो जाते हो MI ब्राउजर में। और अगर आपको जाना है यहाँ पे Google Chrome में तो आप फिर वो लिंक कॉपी करते हो और फिर Google Chrome में पेस्ट करते हो। बट अगर आपको चाहिए तो जैसे ही मैं वो लिंक ओपन करूँ सीधा मैं Google Chrome में चले जाऊँ, तो यहाँ पे ये सेटिंग मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए अभी बिना टाइम पास किए यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बट यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार आप लाइक ज़रूर दीजिए। यहाँ पे मैं एम रखता हूँ 150 लाइक्स था, तो आप जल्दी इसे कंप्लीट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम जान लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे MI ब्राउजर में एक बार आपको चले जाना है। MI ब्राउजर में जाने के बाद में यहाँ पे आपको 3 लाइन पे चले जाना है। 3 लाइन पे जाने के बाद में यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो सेट एस डिफॉल्ट ब्राउजर है, इसे यहाँ से ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे स्विच कर दीजिए। और फिर यहाँ पे स्विच होने के बाद में यहाँ पे आप चले जाइए नीचे और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्लियर डिफॉल्ट कर देना है। यहाँ पे मैं 2-3 सेटिंग बताने वाला हूँ, मतलब 2-3 इसका स्टेप सॉल्यूशन है, मेथड भी बोल सकते हैं। तो वो दोनों 2-3 मेथड आप सब एक बार देख लीजिए, फिर ही आप ये सब सेटिंग को एनेबल दीजिए, नहीं तो आप ऐसे ही चले जाओगे फिर बोलोगे यार ये तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पे जाने के बाद में, फिर यहाँ पे जाने के बाद में एक बार आपको यहाँ पे कर देना है क्लियर डाटा, क्लियर ऑल डाटा। फिर ये होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्राउज़र पे चले जाना है। ब्राउज़र पे जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपके फ़ोन में ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है जैसे अभी मेरे फ़ोन में था, तो यहाँ पे आपको एक बार सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में फिर यहाँ पे मैं ऐप्स में, यहाँ पे ऐप्स यहाँ पे मैनेज ऐप्स में, फिर मैनेज ऐप्स में यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो ब्राउज़र। यहाँ पे ब्राउज़र पे जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कर देना है क्लियर डिफॉल्ट, मतलब यहाँ पे जो भी वो डिफॉल्ट हमें MI ब्राउजर मिलता है उसे हमें क्लियर कर देना है यहाँ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर हो गया है। तो अगर आप चाहो तो ये भी मेथड यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं थर्ड वाला बता देता हूँ, थर्ड वाला भी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपको मैनेज ऐप्स में ही चले जाना है, यहाँ पे 3 डॉट में, और फिर यहाँ पे जो हमें डिफॉल्ट ऐप्स मिलता है उस पर चले जाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट है, तो यहाँ पे हमें चले जाना है 4th ऑप्शन में, यहाँ पे ब्राउजर पे। यहाँ पे ब्राउजर पे जाने के बाद में यहाँ पे जो भी जितने भी ब्राउज़र है आपके पास, मतलब जो भी याहू जो भी, मुझे अभी इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है। फिर इसमें जाने के बाद में यहाँ पे मैं क्रोम को सिलेक्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट क्रोम हो गया। तो एक बार मैं यहाँ पे एक बार वापस ब्राउज़र पे चले जाता हूँ MI ब्राउज़र पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसे एड्रियन कंटिन्यू कर दे, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे अभी मेरा डिफ़ॉल्ट था वो यहाँ पे क्रोम हो गया। यहाँ पे मैं 3 लाइन में यहाँ पे सेटिंग में, यहाँ पे आप देख सकते हो सेट एज डिफॉल्ट ब्राउजर, ये भी ऑफ हो गया। तो यह मैंने 3 सॉल्यूशन बताया, 3 मेथड। तो आप ये तीनों मेथड जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा आपके लिए यूजफुल था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।